आइए चलते हैं। तो हमें अरबी की सब्जी बनाने के लिए इस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है, और हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे जिन्हें भी हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने इसमें 250 ग्राम अरबी ली थी, इन्हें हमने छीलकर धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने इसमें आधी टीस्पून, आधी छोटी चम्मच अजवाइन के बीज लिए हैं, इससे हमारी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने ये कुछ मसाले लिए हैं। अब हमको सबसे पहले इन अरबी में इसमें से थोड़े थोड़े मसाले मिलाने हैं। हमने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है और थोड़ा सा नमक ले लिया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हमने जो अरबी में मसाले जो मिलाए थे इस अरबी में, उसको इसमें फ्राई करेंगे। ध्यान रहे, इसको आराम से फ्राई करना है, जब तक ये थोड़ी ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए, जब तक इसे फ्राई करना है। करीबन हमारी अरबी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुकी हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, कुरकुरी हो चुकी हैं। अब हम इन अरबी को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में अपनी अरबी की ग्रेवी को बनाएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अजवाइन डालते हैं। अजवाइन को अच्छी तरह चटकने तक भूनें। अजवाइन हमारी अच्छी तरह से चटक गई है, भुन गई है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है तब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारी प्याज करीबन हमने 2 मिनट भूनी थी और हमारी प्याज अच्छी तरह से भूनकर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमारी टमाटर की प्योरी थी, जो टमाटर का पेस्ट था, अब हम इसमें प्याज के साथ डालकर इस टमाटर के पेस्ट को भूनेंगे। अब हमारे टमाटर भी पक चुके हैं। अब हम इसमें जो हमारे सूखे मसाले थे, इसमें टमाटर और प्याज के पेस्ट में जो हम इसमें फ्राई कर रहे हैं उसमें डालकर अपने सूखे मसालों को भूनेंगे। और इसमें मसाले डालने के बाद करीबन दो चम्मच पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, पानी से हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे और इन्हें तेल निकलने तक भूनेंगे। जब तक हमारा जब हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो अपना ये कढ़ाई छोड़ देगा और मसाले से तेल बाहर निकलकर आ जाएगा। अब हमारे मसाले को भूनते हुए करीबन 2 से 3 मिनट हो गई हैं। ये मसाला हमने लो फ्लेम पे भूना था और अब हम इस मसाले में 1 कटोरी पानी डालते हैं। ग्रेवी को आप अपने अनुसार पतला या गाढ़ा रख सकते हैं। मैं इसमें करीबन 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल और करूंगी। मैंने इसमें 1/2 कटोरी पानी का इस्तेमाल और किया है और इस ग्रेवी को स्लो फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे ढक के पकाना है। जो हमारी ये अरबी हमने फ्राई की थी, उन अरबियों को इसमें ग्रेवी में डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे और हमें धीमी आंच पर कम से कम 4 से 5 मिनट इसे धीमी आंच पर हमें पकाना है। अब हमारी सब्जी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब इस सब्जी को हम किसी बर्तन में सर्व कर लेंगे।
तो अब हमने अरबी की रेसिपी को बनाकर कटोरी में सर्व कर लिया है। ये अरबी की रेसिपी खाने में पराठों के साथ, पूड़ी के साथ, चपाती के साथ बहुत टेस्टी लगती है। अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।